हाय वेलकम। बाउंड्रीज पे, तो बाउंड्रीज क्या होती हैं? मैं बुरे जोक नहीं मारूंगा कि हाँ बाउंड्री पार किया तो छक्का होता है क्रिकेट मैच में। आई एम सो बैड एट दोस। पर हाँ, कभी ऐसे हुआ है कि दूसरे की चीज़ों के लिए, ऐसे लोगों के फ़ायदे के लिए? वैसे मोस्टली हम किसी ना किसी के फ़ायदे के लिए चीज़ें कर रहे होते हैं, या तो खुद के लिए या फिर किसी और के लिए। और मोस्टली लोग हमारे साथ इसीलिए होते हैं, मैं नहीं बोल रहा कि सब फ़ायदा उठाने के लिए होते हैं, बट इवेंचुअली ज़्यादा ऐसे अगर ब्रेक डाउन कर दिया जाए तो ओके, मैं मोह नहीं निकालना चाहूँगा सब चीज़ों में से। क्या होता है, ठीक है, ज़्यादा ही सिंपल कर दिया है दुनिया को कि सब एक दूसरे के पर किसी ना किसी वे में कोई ना कोई हमसे कुछ ना कुछ चाहता ही होता है। जैसे अगर कोई किसी आपसे कोई काम करवाना चाह रहा है, या फिर कोई आपसे इमोशनल सपोर्ट चाह रहा है, और हम देने के लिए रेडी होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द पीपल। लेकिन कभी कभी जब हम थक जाते हैं और हम नहीं चाह रहे होते हैं, और मतलब हमको अच्छा नहीं लग रहा होता, वो गिव एंड टेक हमको अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर मतलब वो गिव एंड टेक प्रोपोर्शनेट नहीं है, कि कोई तो हमसे बहुत ज़्यादा चीज़ें डिमांड कर रहा है, इन रिटर्न हमको ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है जिससे ऐसे फुलफिलिंग हमको अच्छा लगे, तो वो होता है कि उस चीज़ को रोकने के लिए जो हम सेट करते हैं वो होती है हमारी बाउंड्रीज़, कि ठीक है कोई हमारा ऐसे ही हमारे बिना खुशी के फ़ायदा ना उठाए, नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ मतलब हमको कोई काम सिर्फ इसलिए ना करना पड़े कि सामने वाला इंसान खुश होगा, या फिर किसी और की खुशी के लिए हम ही चीज़ें करते रहें और ना सामने वाले को समझ में आ रहा है कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, वो आपकी तरफ देख ही नहीं रहा है, वो बस अपनी चीज़ें करवाए जा रहे हैं क्योंकि उनका तो काम चल रहा है। मैं किसी को हार्श इमेज में पेंट नहीं करना चाह रहा हूँ, पर हाँ और भी अलग अलग टाइप की बाउंड्रीज होती हैं। हाँ, फ्रेंडशिप और ऐसे सामाजिक रिलेशनशिप्स जो होते हैं हमारे लोगों के साथ, वो वाले बाउंड्रीज़ का हम बात कर रहे हैं। जैसे कुछ कुछ लोगों का होता है, ओके, मैं अपने से एग्जांपल से समझ आना चाहिए कुल। जैसे मुझको क्या है कि हैंडशेक वाला बहुत है, या फिर ऐसे ही कंधे पे हाथ रख देते हैं लोग, मुझको नहीं अच्छा लगता है, मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझको वो अजीब करा देता है, एजिटेशन होता है। कुछ लोगों को लग सकता था कि यार ये क्या बात हुई कि ऐसे टच करना ही नहीं पसंद है, दुनिया में रहते हो तो कुछ ना कुछ लोग मिलेंगे, और ऐसे आई लाइक टू मेंटेन माई डिस्टेंस, कि मेरे स्पेस के अंदर ज़्यादा लोग मुझको नहीं पसंद होते हैं, तो मैंने उस चीज़ के लिए वो एक टाइप से मेरी बाउंड्री है कि इस एरिया के अंदर मुझको ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं किया होता। जैसे कुछ लोग होते हैं यार बहुत स्वीट होते हैं, उन लोगों को ना कहना ही नहीं आता होता कभी कभी। पहले स्टार्टिंग में था ऐसा, बहुत पहले, कैसे मुझको ऐसे किसी को दुखी करना ऐसे नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि मुझको लग रहा होता था कि वो लोग दुखी हो जाएंगे, पर मैं ये नहीं देख रहा होता था कि अच्छा ये चीज़ करने से मेरे को भी तो अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अपना क्यों नहीं सोच रहा हूँ। और जब सामने वाला आपके बारे में नहीं सोच रहा, तो किसी को तो खुद के बारे में सोचना पड़ेगा ना, जब कोई और ही नहीं सोच रहा है कि वो आपसे इतनी सारी चीज़ें डिमांड कर ले रहे हैं, और इन रिटर्न ऐसा कुछ आपका एनर्जी जा रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा उस ट्रांजेक्शन में। तो ना फर्मली हाउ टू से नो इज़ अ थिंग जो हमको आनी चाहिए बिना गिल्ट के, कि हम अपने लिए ना कह सके किसी और को कि नो आई एम नॉट ओके डूइंग दैट, नो आई एम नॉट गोना डू दैट, इन अ पोलाइट वे यू कैन से। पर उसके बाद ये सोचने बैठेंगे कि यार उसको कैसा लगेगा ये, वो भी सोच सकते थे कि आपको कैसा लगेगा, है ना। पर और अगर वो नहीं सोच रहे हैं, तो आपका जिम्मेदारी किसका है? आपकी खुशियों का जिम्मेदारी आपका ही है और किसी का नहीं है, या फिर किसका है आपका ध्यान रखने का जिम्मेदारी? आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही का है और किसी का नहीं है वो वाला चीज़, तो फिर आप ही को ध्यान रखना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो हाउ टू से नो, इट्स नॉट वेरी हार्ड इफ़ यू स्टार्ट पुटिंग योर सेल्फ, यू आर योर प्रायोरिटी नंबर वन, तो इट्स नॉट हार्ड। क्योंकि उसके बाद ऐसे लगता था कि ऐसे नहीं, जैसे कुछ कुछ लड़कियों का होता है, मतलब ये लड़कियों के केस में मैं हूँ तो मैं उस बारे में बोल सकता होता हूँ, कैन बी योर फ्रेंड एंड ऑल, सेफ डिस्टेंस से फ्रेंड भी तो होते हैं इतना डिस्टेंस के बाहर में, आई कैन आई एम योर फ्रेंड एंड ऑल, उसमें ऐसे रख के बात करने का क्या होता है कि हाँ और ब्रो, ये नहीं होता है मुझसे, फ्रेंकली नहीं होता है, तो मैं बोल देता हूँ। तो सोशल वाले रिलेशनशिप्स का बात कर रहा हूँ, बहुत पर्सनल रिलेशनशिप्स का हम बात नहीं कर रहे हैं, हम क्लासमेट, दूर के दोस्त जो ज़्यादा आपकी बहुत क्लोज नहीं हैं उनका बात कर रहा हूँ मैं, तो उनके साथ आपको अपने लिए बाउंड्री रखना पड़ता है। मैं नहीं मानता कि सबको ऐसे नॉर्मल लगेगा कि इतना भी क्या हो गया, अगर दोस्त हो तो इतना तो, लोगों को इतना तो चलता है ना आपके लिए, मेरे लिए नहीं चलता है, जैसा भी हूँ, अब जो नहीं चलता है वो नहीं चलता। जब इस सर्कल में हो तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे रिश्ते वो अलग हैं, लेकिन इफ़ यू आर जस्ट अ क्लासमेट, जस्ट अ नॉर्मल फ्रेंड, आई ट्राई टू कीप माई डिस्टेंस, लाइक आई हैव माई बाउंड्रीज वेरी वेल सेट, एंड आई रिस्पेक्टफुली टेल पीपल कि आई डोंट लाइक ऐसे यू टॉकिंग टू मी दिस वे। अगर मुझको नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो मैं कैसे सिर्फ सामने वाले को ऐसे कि अरे यार मैं बोलूँगा तो बातें अजीब होंगी, अरे तुमको रोज़ मिलना पड़ेगा, वो रोज़ सेम ही हरकत होगी, उससे अच्छा है एक ही बारी बोल के ख़त्म करो ना, है कि नहीं, अपने लिए।
तो उसके बाद अगर आपको रहना है या फिर आपको ये मानना है कि अब इसमें तो बहुत एटीट्यूड है, तो ये भी मुझको नहीं समझ में आता कि, तो फिर यू कैन गो अवे, इट्स फाइन, ऐसा कुछ नहीं है. जब अगर कोई आपकी बाउंड्रीज नहीं समझ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि हमको अपना बाउंड्री सामने वाले इंसान पे थोपना है. वो जा सकते हैं, वो तो आपसे बात नहीं कर सकते, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है ना. इतना क्या ज़रूरत हो गया कि मतलब आप अपनी बाउंड्रीज को नीचे कर दें किसी इंसान के लिए, जो एकदम वर्थ वाली चीज़ भी ना हो, जो आपकी चीज़ों को समझना ही ना चाहे. उसके लिए तो अपनी बाउंड्रीज चेंज करना भी डिफरेंट, तो वो फिर उस सर्कल में रहते हैं, इधर वाले बाहर वाले सर्कल में. अंदर इधर नहीं आने देता हूँ उन लोगों को मैं, या फिर वो खुद ही आने नहीं पसंद करते कि अब इसका बहुत सिर दर्द है. तो दैट्स फाइन, आई एम ओके विद दैट. अगर आपको अपने बाउंड्रीज और अपना ऐसे मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करना है, तो आपको कुछ लोगों की नाराज़गी झेलना आना, मतलब ऐसे ओके करना पड़ेगा. सबको आप खुश नहीं कर सकते हो. अगर खुद को खुश करने चलेंगे तो उसमें लोगों को कभी कभी नहीं रास आता है वो वाला चीज़, क्योंकि लोगों को जब आप अपने आप को सर्व करने लग जाते हो ना, तो लोगों के लिए ये समस्या हो जाती है कि आप उनको सर्व करना बंद कर देते हो, आप उनका ईगो या उसको बूस्ट करना बंद कर देंगे. क्यों? क्योंकि आप प्लीज़ नहीं करने बैठ रहे हो ना. आप किसको प्लीज़ कर रहे हो? आप खुद को. आप किसको प्रोटेक्ट कर रहे हो? खुद को. तो लोगों को लगता है, कुछ लोग इसका नाम देते थे, अरे बड़े ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं. कुछ नहीं समझते हैं हम, बस ध्यान रखते हैं अपना. जो चीज़ें हमको नहीं पसंद हैं उनको हम ना बोल देते होते हैं, और अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारे लिए कोई और बोलने नहीं आ रहा है ना. आज की दुनिया में कोई आपके लिए नहीं आएगा बोलने के लिए. दिस इज़ वेरी हार्श रियालिटी ऑफ टुडेज़ वर्ल्ड, दैट नोबडी इज़ कमिंग टू सेव यू. यू हैव टू ओनली सेव योर सेल्फ, देन कैन पीपल हेल्प यू सेव योर सेल्फ. दे कैन ओनली हेल्प इफ़ यू आर लेटिंग देम हेल्प यू. लेकिन अगर आप उनको बताओगे नहीं, सोचो कोई बहुत सही इंसान है आपको मिले हैं और दे रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज एंड एवरीथिंग, तो फिर आपको पता चलेगा ना, उसके लिए आप करोगे कि ओके आई एम कम्फर्टेबल विद दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स माई बाउंड्री, तो मेरे को इसके साथ रहना अच्छा लगेगा. तो मतलब वो एक सही इंसान है, क्योंकि उसको पता है कि आपकी बाउंड्रीज कितनी हैं और वो चूज़ कर रहा है आपके साथ रहना फिर भी. तो ये भी हो जाता है डिफ्रेंसिएशन. एक ये भी फ़ायदा होता है कि हाँ, अच्छे लोगों का इसे वो मिलने लग जाते हैं. मतलब अगर कोई आपकी बाउंड्रीज रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है और फिर ऐसे आपको घमंडी या फिर ऐसा कुछ बोल रहा है, तो फिर आपको ये पहचान हो गया ना कि उसका तो वैसे भी ज़रूरत नहीं है. तो अच्छी बात है, चले गए वो लोग, आपने अपनी बाउंड्रीज जब रख दी. थोड़ा तो होता है कि जब हम खुद के लिए खड़े होने लगते हैं ना, कुछ जो नॉट सो हैप्पी लेटिंग यू बी यू वाले पर्सन होते हैं, वो चले जाते हैं. और मेरे को बहुत फ़ायदे हुए हैं मेरी बाउंड्रीज ऐसे बहुत फॉर्म करने के बाद. मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता है, जो कि ऐसे स्टूडेंट्स वाली एज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आप किसी और अपनी दोस्त को प्लीज़ करने में बैठ गई हो या बैठ गए हो कि अरे यार उससे बात कर लेते होते. कुछ कुछ लोग का और पता है किस किस चीज़ में बाउंड्री का बहुत, कई लोगों को ना समझ नहीं आता होता, उनको लगता है यार हम तो हेल्प कर रहे हैं हमारे दोस्त की, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा. माना वो खुद करेंगे पहली बात, तो आप नहीं करेंगे तो. और किस चीज़ में आपको देखने का ज़रूरत है कि आपके अच्छे लोगों से सराउंडेड है, टाइम वेस्ट आपका नहीं हो. कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ना ऐसे नेगेटिव साइड दिखता है चीज़ों का बहुत ज़्यादा, तो उनको ना बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम कर रही होती हैं आसपास में, कि ये भी प्रॉब्लम लग रहा है, ये वाला बात भी प्रॉब्लम लग रही, लाइक या फिर कोई अगर ख़राब रिलेशनशिप में स्टक होता है तो वो लोग आने लग जाते हैं आपके पास, कि लाइक फ़ोन पे बात कर रहे हैं, अगर सामने हैं तो सामने बातें कर रहे हैं, वो अपनी बातें बताए जा रहे हैं, आप सुन रहे हो, आप अच्छा सजेशन दे रहे हो कि यार इतना प्रॉब्लम है तो छोड़ दो इस इंसान को, या फिर दूर रहो तुमको जब ये इंसान इतना परेशान कर रहा है. वो लोग हाँ 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 करते हैं, सुनते नहीं हैं, फिर चार दिन बाद सेम ही बात के साथ आ जाएंगे. आपका टाइम एंड एनर्जी वेस्ट हो रहा है. आप तो अपना अच्छा एनर्जी दे रहे हो ना उनको, बेसिकली आप तो समझा रहे हो उनको कि क्या मतलब क्या सही रहेगा, जो आपको सही लगता है. एटलीस्ट आप जो आपको सही लगता है आप वो बताते हो. आपको दिख रहा है कि सामने वाला इंसान उनके लिए अच्छा नहीं है, आप बता रहे हो, लेकिन फिर भी उनको उसी गड्ढे में कूदने, एक महीने दो महीने कितना ना टाइम सुन लेंगे ना. कभी तो आपको ऐसे रोकना पड़ेगा ना कि सी दिस इज़ वेस्टिंग माई टाइम अलॉट. मैं जो बताना था मैं वो बता चुका हूँ, इससे ज़्यादा और मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ. क्योंकि वो जो आके रोना रो रहे हैं आपके पास, दैट इज़ दे आर टेलिंग यू अबाउट देयर नेगेटिव थिंग्स दे आर सी. लो वाइब्रेशन एनर्जी का बात हो रहा है ना, कि क्योंकि किसी के बारे में बुराई करना इज़ लो वाइब्रेशन का एनर्जी एमिट आउट करना. तो वो लो वाइब्रेशन का एनर्जी आपको क्या लगता है आपको अफेक्ट नहीं कर रहा है, कि डेली कोई अपनी प्रॉब्लम सिर्फ उसको प्रॉब्लम ही दिख रहा है. और अगर आप और आपको ये भी पता चल रहा है कि सामने वाला इंसान अपनी लो एनर्जी को हाई एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं कर रहा है, वो बस लो एनर्जी आपको बता रहा है और जाके उस चीज़ के बारे में कुछ कर ही नहीं रहे हैं, फिर अगले दिन आके बता दे रहे हैं, तो बेसिकली आप तो उनकी लो एनर्जी की साइकिल में आ गए हो ना, कि वो अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से लो एनर्जी लेके आते हैं, वो आपको बताते हैं, आपकी एनर्जी डाउन जाती है. सुनने से इफेक्ट पड़ता है ना, वो कहते हैं ना जिसके साथ जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं, जो चीज़ें हम सुन रहे हैं, उनका ध्यान होना चाहिए कि हम किस चीज़ को देख रहे हैं, क्या चीज़ें हम सुन रहे हैं, क्योंकि उनका इम्पैक्ट हम पे पड़ता है.
तो क्यों आप अपनी एनर्जी और टाइम ऐसे लोगों के लिए वेस्ट करना चाहेंगे? आपको अपनी बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी ऐसे लोगों से बचने के लिए, कि आपको फर्म ग्राउंड हेल्ड करना पड़ेगा. यू हैव टू पुट योर फुट डाउन अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ पीपल और टेल देम ऑनेस्टली. उनका भी शायद कुछ फ़ायदा हो जाए जब उनको ये पता चलेगा कि आप अपनी मतलब वो आपके पास नहीं आ सकते हैं. या तो वो सच में, उनको लगेगा कि यार मेरे को सच में चीज़ें बदलने की ज़रूरत है क्या, इस बंदे को इतना इसने मेरे को स्ट्रांगली बोला है इस चीज़ के लिए. या फिर उनको लगेगा कि अरे ये नहीं तो किसी और को, अब वो किसी और को बताने लग जाएंगे. पर आपका तो हट गया ना लो एनर्जी से, आपको अब उनकी लो एनर्जी अफेक्ट नहीं करेगी अगर आपने उनसे अपना डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है. तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको अपना बाउंड्रीज बनाना बहुत ज़रूरी है. अपना बाउंड्रीज हाई रख लिया है तो लोगों का बाउंड्रीज का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए. कि ठीक है आपको अपना बाउंड्रीज आपने बना दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर सामने वाले का, जिसे कहते हैं कि दोस्त तो अच्छाई बुराई में सब में साथ देते हैं, पर अगर आपके दोस्त ने बाउंड्रीज खुद की सेव के लिए, खुद को सेव करने के लिए बना लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कम अच्छा दोस्त हो गया. यार वो अपना ध्यान रखना चाह रहा है, वो जितना हो सके वो आपको अपनी चीज़ें बता चुका है और ज़्यादा वो हेल्प कर नहीं सकता होता है. तो उसके लिए आपको ज़रा ध्यान रखना होगा सामने वाले की बाउंड्रीज का. उन्हें नहीं है ना कि वो हर टाइम आपको टाइम देने के लिए तैयार हो. कभी कभी उनका भी मूड खराब हो सकता है, कभी कभी उनका भी ऐसे हो कि यार अभी कुछ ऐसे बात बात करने का मूड नहीं है तो अभी नहीं बात करते हैं, कल बात करेंगे या परसों बात करेंगे. एक वे में वो भी अपनी बाउंड्री, उन्होंने मतलब अपनी पीस को रखा, दैट्स अ कमेंडेबल. उस चीज़ पे ना नाराज नहीं होना अपने दोस्त के साथ, यार तुम तो कल बात ही नहीं किया था, क्या पता कल उनके पास कुछ अच्छा हो ही ना बोल, कि अभी मूड खराब है क्यों ही बोलना है किसी को, कुछ मुँह से खराब ही निकलेगा. तो उन्होंने आपको बचा लिया उस वाली चीज़ से, तो उसको बुरे वे में मत लेके जाओ, यार तू तो क्या, तू तो बात ही नहीं करता होता है, तुम तो बड़े बन गए, ऐसे सब करने का ज़रा नहीं है. लेट देम बी, ठीक है वो कल बात कर लिए अच्छा है, अच्छे अच्छे से बात करो जो है, जितना देर अगर किसी को दे रहे हो. आधे घंटे अगर मैं बात करूँ और मेरा ध्यान ही ना हो आपकी बात पे और मैं सच में आपकी चीज़ों के लिए खुश ना हूँ, या फिर ऐसे ही मैं बस हाँ 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 करे जा रहा हूँ, क्या मतलब है उसका? उससे अच्छा मैं 5 मिनट बात करूँ, मैं सारी बात सुनूँ, जो मेरे को लग रहा है मैं वो चीज़ आपको बताऊँ, वो ज़्यादा सही है ना. तो दैट्स गुड, बाउंड्रीज आर नाइस, बाउंड्रीज आर देयर टू हेल्प यू. एंड समटाइम्स पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट, दैट्स फाइन, यू डोंट हैव टू लाइक, एंड डोंट बी मीन अबाउट योर बाउंड्रीज, इट्स ओके. हाँ ठीक है मैंने सारा एपिसोड बनाया है बाउंड्रीज के लिए, लेकिन उस पर भी रूड होने का जरूरत नहीं है. पोलाइटली यू कैन बी लाइक दिस इज दैट, यू डोंट हैव टू बी लाइक हे डोंट टच मी, यू कैन बी लाइक आई डोंट लाइक इट, लेकिन वी कैन टॉक लाइक दिस ओनली, वी डोंट हैव टू टॉक लाइक दिस कि हाँ नो, वी कैन टॉक लाइक सामने बैठे हो मैं बैठूँ इधर बात कर सकते हैं, उसमें भी होता है दोस्ती. बी पोलाइट अबाउट योर बाउंड्रीज बट फर्म, फर्म but polite. Thank you so much for watching. Thank you. He's a Mona Lisa. Everyone's lining them bad features. There must be something bad.